अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज तारीख है 15 सितंबर सन 2023 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहताज रेलवे साइडिंग पर। आज यहाँ से आपको थ्रूपा सेक्शन कैप्चर करके दिखाएंगे जस्ट एक एक्सप्रेस ट्रेन का, और वो कौन सी होगी वो भी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वो कुछ यूं के प्राक्स मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान रेलवे के अंडर जो एक प्राइवेट कंपनी है, उनके पास जो ट्रेन थी 47 और 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस, जो कि पेशावर से लेकर कराची तक चलती थी बरास्ता, रावलपिंडी, लाला मूसा, हाफजाबाद, फैसलाबाद से होती हुई फिर आगे कराची तक जाती थी, तो वो ट्रेन जो है उनकी मैनेजमेंट से निकल गई, यानी कि प्राइवेट अब वो ट्रेन नहीं रही आज से गवर्नमेंट के अंडर आ गई है। तो प्राक्स मैनेजमेंट ने एक इशाया जारी किया है कि जिसमें ये कि प्राक्स मैनेजमेंट चाहती है कि उनके अंडर 11 अप 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस आ जाए, यानी कि हमारी जो 11 अप 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस है वो प्राइवेट होने जा रही है, और ये प्राइवेट इसकी प्राइवेटाइजेशन कब होगी वो थोड़ी दिनों में हमें पता चल जाएगा। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर किया था, तो जो ये हज़ारा एक्सप्रेस की डिटेल आई है तो मैंने आपको बता दिया ना कि प्राइवेट होने जा रही है। अब कुछ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये कि आप लोगों के साथ कम्युनिटी में मैंने शेयर किया था कि मैं जा रहा हूँ नदरन एरियाज़, नारायण का गांव जाना है, फिर आगे हमने खुंजराब बॉर्डर जाना है, तो ये सारे हमने एरियाज़ को एक्सप्लोर करना है। तो 1 मंथ आलमोस्ट है, तो 3 वीक्स का ये ट्रिप, बट मैंने आप लोगों को 1 मंथ बताया था लेकिन अभी तक हम नहीं गए। इंशाल्लाह ये जो मंडे आ रहा है इसको हमारा यहाँ से डिपार्चर, तो आप सब लोगों के लिए दुआओं की दरख्वास्त है, और ये मुझे आप 3 महीने किस्म की छुट्टियाँ ही दे दें, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा। तो इसके बाद देन अगेन आकर हम लोग अपने जो ये चैनल है जिसको मैंने नया नाम दिया मैग्निफिसेंट एक्सप्रेस, इसको हम इसके नाम के तर्ज पर ही आगे लेकर चलेंगे। बहुत सी ढेरों ढेर जर्नीस पड़ी हैं। अभी जो नेक्स्ट मेरा प्लान है वो है पाकिस्तान एक्सप्रेस को एक्सप्लोर करने का, उसमें हम जर्नी करेंगे और एक लॉन्ग जर्नी करेंगे, यानी कि छोटा सा बस यहाँ से लाला मूसा से बैठ रावलपिंडी, यहाँ से नहीं डाउन साइड पर उसका जर्नी कहीं ना किसी अच्छे स्टेशन तक करेंगे। उसके बाद फिर तेज़गाम का भी प्लान है, ग्रीन लाइन का भी प्लान है, ये सारे प्लान्स हैं, वो तो फिर वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यही बताना था कि अभी बहुत कुछ रहता है हमारा एक्सप्लोर करने का, तो अभी वेट करते हैं हम अपनी 11 अप 1000 एक्सप्रेस का। आलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट के करीब डिले में चल रही है, तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर थ्रू पास बनाएगी तो आपको उसका थ्रू पास सेक्शन कैप्चर करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी 11 अप 1000 एक्सप्रेस बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच रही है। अभी मैंने जो बीच में इंट्रो के बोला है एक नाम मैग्निफिसेंट एक्सप्रेस, वो मैग्निफिसेंट एक्सप्रेस मेरा दिल है कि अब, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था पहले ही एक पैगाम के मीन्स मैं चैनल का नाम चेंज करने जा रहा हूँ, तो वो चैनल का नाम चेंज करना है मैंने आप लोगों के ही राय पे। तीन में आप लोगों के आज पोलिंग भी मैंने स्टार्ट करनी है, अभी ये मैंने वीडियो भी बस अपलोड कर देनी है ताकि आप लोग इसमें भरपूर शिरकत करें। पोलिंग में 3 ऑप्शंस होंगे आप लोगों के पास, के एक होगा मैग्निफिसेंट एक्सप्रेस, एक होगा कि मैं अपना ट्रेन एंड ट्रैक्स के नाम से ही चैनल को कंटिन्यू रखूं, एक होगा कि डिपेंड्स अपॉन माय डिसीजन। तो आप लोगों की मर्ज़ी, जिसको आप लोग ज़्यादा वोट देंगे, 2 दिन के लिए ये पोलिंग होगी और 2 दिन में जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे तो उसी चीज़ को देन हम आगे कॉन्टिन्यू करेंगे, उसी चैनल का फिर उसी का नाम हम रखेंगे चैनल पर। तो मैग्निफिसेंट एक्सप्रेस मेरा अपना दिल है कि ये मैं नाम रखूँ, क्योंकि आगे जिस तर्ज का मैंने सोचा मैंने कि इस चैनल को लेकर बढ़ने आगे, तो उसके लिहाज से मैग्निफिसेंटली ही मैं इस चैनल को लेकर जाऊंगा आगे। तो ये नाम मुझे ज़ाती तौर पर अच्छा लगा, नया नाम अगर मैं सोचूं। इसके अलावा भी 2 नाम और हैं बट वो इतने कुछ खासे अच्छे नहीं हैं, खैर अगर कोशिश करूँगा उनका नाम भी मैं पोलिंग में शामिल कर दूँ, तो जिसको वोट ज़्यादा मिले, आप लोगों की राय मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम होगी, तो फिर हम आगे देन वही कंटिन्यू करेंगे। तो ज़्यादा बातें हो गई हैं, अभी हम थ्रू पास एक्शन देखते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्पीड में क्रूज़ करती आ रही है, सामने आपको नज़र आ रही है हमारी 11 अप 1000 एक्सप्रेस, और काफ़ी स्पीड में है ट्रैकर पर, 80 to 85 की स्पीड शो हो रही है।
दोस्तों बहुत ही मज़े की स्पीड में यहाँ से गुजरी है हमारी 11,000 एक्सप्रेस, तो देख ही लिए आप लोगों ने PH-20 की पावर और दी बेस्ट लोकोमोटिव है इस सेक्शन पे, ये PHA और HBU और बेस्ट है सेक्शन के लिए मैं तो यही कहूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब ये हमारी 11,000 एक्सप्रेस और 12 डॉन भी प्राग्स की मैनेजमेंट में चली जाएंगी, तो अभी यहाँ से अब हम लोग चलते हैं वापस और यहाँ पे ही करेंगे वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट मस्ट कीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी जल्द देखने वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।